अल हिंद बल इमारात, बी कलम अल जमान, बल किताब अदुनिया नकुत्व, हिसाब ली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बईना। अल हिंद बल इमारत हिया, सर्वतना अल मुस्तरा का, फिल हकीका नहनु फी बदैया साईद अली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है, अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा, और जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है, भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कलम किताब दुनिया हिसाब जमीन, ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द है, और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे हैं? यहां गल्फ के इस क्षेत्र से हम दोनों देशों का नाता सैकड़ों हजारों वर्ष का, और भारत की कामना है कि ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे। साथियों, मुझे बताया गया कि यहां स्टेडियम में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स भी आए हैं। आज यूएई में मौजूद भारतीय स्कूलों में ऐसे 1.25 लाख से अधिक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये युवा साथी भारत यूएई की समृद्धि के सारथी बनने जा रहे हैं। ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के सपोर्ट से पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स को शुरू हुआ है। दुबई में नया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑफिस भी जल्द ही खुलने वाला है। मुझे विश्वास है कि ये संस्थान यहां भारतीय कम्युनिटी को बेस्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे।